अस्सलाम फ्रेंड्स। अच्छा, आज की वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है रिगार्डिंग एडमिशन पॉलिसी ऑफ BVS पारसी स्कूल। ठीक है, जैसे कि आप सबको पता है कि BVS ने अपने एडमिशन्स को अनाउंस कर दिया है। मैं 2-3 दिन से चाह रहा था कि वीडियो बनाऊं, क्योंकि पेरेंट्स के काफ़ी क्वेश्चन आ रहे थे मेरे पास रिगार्डिंग द एडमिशन पॉलिसी एंड डॉक्यूमेंटेशन, लेकिन बिल्कुल टाइम नहीं था मेरे पास। दैट्स वाई आई हैव लेट फॉर द मेकिंग दिस वीडियो। सो काफ़ी जल्दी इन्होंने अनाउंस किया है, और एडमिशन जो है वो इस बार जो है इन्होंने ग्रेड 1 के साथ साथ बाकी ग्रेड्स के भी अनाउंस किए हैं। तो ये एक अच्छी बात है कि हम साथ साथ जो है वो बाकी क्लास की भी प्रिपरेशन जो चल रही हैं उसको ही कंटिन्यू करते हुए हम आगे की तरफ परसू कर सकते हैं। तो इस बार जो एडमिशन पॉलिसी इन्होंने अनाउंस की है उसमें सिबलिंग और आउटसाइडर्स दोनों के बारे में इन्होंने बताया, जिसमें ग्रेड 1 ग्रेड 6 कैम्ब्रिज एंड ग्रेड 6, 7 एंड 8 AKU बोर्ड जो आगा खान हमारा है उसको, उनके जो है न्यू एडमिशन जो है इन्होंने अनाउंस किए। ठीक है। अच्छा, एडमिशन्स जो हैं उसमें हमारे पास ग्रेड 1 का जो है 25, 26 इन्होंने अपलोड किया हुआ है वेबसाइट पे, जो फॉर्म है वो अवेलेबल है, और अभी जो बाकी क्लासेस हैं उसका जो है वो 19th को जो है वो अपलोड किया जाएगा, जो कि हमारे पास आउटसाइडर्स ग्रेड 6 कैम्ब्रिज और 6, 7, 8 के जो भी स्टूडेंट्स होंगे, और सिबलिंग्स का जो था वो फॉर्म को अपलोड कर दिया गया है और दे भी दिया गया है जो बच्चे वहाँ पे पढ़ते हैं। और मैं शेयर भी करा दूँगा आपसे, क्योंकि एक दो स्टूडेंट्स हैं मेरे, उनके पास थे तो फिर मैंने उनसे ज़रा सा पिक्चर लेके देख लिया था। ठीक है। तो ये जो आउटसाइडर्स हैं ग्रेड 6 ऑनवर्ड उसका 19 को जो है वो अपलोड हो जाएगा। ठीक है। अब रिगार्डिंग सिबलिंग्स के बारे में लोग पूछ रहे, सिबलिंग्स जो होते हैं ब्लड रिलेशन ब्रदर है, उन्होंने काफ़ी डिटेल में जो है वो नीचे बताया हुआ है कि सिबलिंग्स कौन है इनकी कंसिडर वो करेंगे। ठीक है। तो मेनली जो है क्लास 1 से जो है वो एडमिशन जो है अभी स्टार्टिंग में तो काफ़ी ज़्यादा, यानी कि स्टार्टिंग में जब टेस्ट होते हैं तो सिबलिंग्स के ही स्टार्ट सॉरी क्लास 1 के ही स्टार्ट होते हैं। जैसे लास्ट ईयर हमारे पास 6, 7 और ऑनवर्ड जो हमारे पास टेस्ट हुए थे BVS के, वो मार्च में हुए थे, और अल्हम्दुलिल्लाह 100% रिज़ल्ट मेरा रहा है। मेरे बच्चे कैम्ब्रिज और आगा खान बोर्ड दोनों में उन्होंने एडमिशन उनको मिला है जी। ये है वो एडमिशन फॉर्म फॉर क्लास ग्रेड 1 के लिए हमारे पास। ठीक है। आउटसाइडर्स का है ये। इसमें जब हम देखेंगे तो वो सारे डॉक्यूमेंट जो हमको सबमिट कराने हैं, जो डेट है वो भी मेंशन है इसके अंदर, तरीक़ेकार भी उन्होंने बताया हुआ है कि हमें किस तरीके से उसको ड्रॉप करना है। ठीक है। तो 28 सितंबर जो है, 28 सितंबर एंड 29 सितंबर जो है 8 बजे से लेकर 12 बजे तक उनमें ये डॉक्यूमेंटेशन जो है वो सबमिट होंगे। ठीक है। इसके अंदर डॉक्यूमेंटेशन हमने इसमें बताए हुए हैं, उसमें तो मेन चीज़ें वही हैं जो कि हमको हमेशा से पता है, यही चीज़ें हमेशा मालूम की जाती हैं, एक दो चीज़ जो है वो न्यू न्यू आ गई हैं। तो सबसे पहले तो आपको जो डॉक्यूमेंटेशन है वो सारे फोटोकॉपी यहाँ पे जाएंगे, कोई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नहीं जाएगा, लीगल साइज पेपर होगा। ठीक है, जो हमारा नॉर्मल पेपर होता है। ठीक है। सबसे पहले जो हमारे पास मेन चीज़ है वो नादरा का बर्थ सर्टिफिकेट लाजमी होना चाहिए। ठीक है। तो इसमें जो है वो हमारे पास नादरा का बर्थ सर्टिफिकेट जो पहला डॉक्यूमेंट हमारे फोटोकॉपी होगा वो नादरा का बर्थ सर्टिफिकेट है। दूसरा हमारे पास है जुवेनाइल कार्ड है। अच्छा, ये कार्ड जो है वो ये जो है वो शनाख्ती कार्ड ही है, ये स्मार्ट कार्ड होता है जो कि नादरा इशू करती है अंडर 18 जो होते हैं बच्चे उनके लिए। ठीक है। इसको आपको बनवाना पड़ेगा, इसका मैंने डॉक्यूमेंट भी लगाया हुआ है कि किस तरीके से आपको बनवाना है,
ठीक है, ये अंडर 18 बच्चे जो होते हैं उसका उनका बनता है, बिल्कुल शनाख्ती कार्ड के जैसा होता है ये। ठीक है, इसमें जो बे फॉर्म हमारा होता था उसका ही नंबर जो है वो डलता है। ठीक है, और इसके रिक्वायरमेंट के लिए आपके पेरेंट्स के आईडी कार्ड वगैरह चाहिए होते हैं, और ये बनता है नादरा से। ठीक है, और बे फॉर्म की कॉपी भी साथ जाती है। और इसके बाद फोटोकॉपी ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट ऑफ हॉस्पिटल है। ठीक है, वो जो आपका बर्थ सर्टिफिकेट ऑफ हॉस्पिटल है वो आपका लगेगा इसके अंदर। इसके बाद वैक्सीनेशन जो हमारे पास है, वैक्सीनेशन जो कार्ड होता है हॉस्पिटल जो इशू करता है उसकी कॉपी लगेगी। उसके बाद जो आपकी लास्ट मॉन्टेसरी, आपने जहाँ से आपके चाइल्ड ने आपको प्रिपरेशन की है या जहाँ से पढ़ा है या कहीं भी किसी भी स्कूल से, वो लास्ट जो है रिपोर्ट, उसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट जो है वो उसके साथ जाएगी। ठीक है, अच्छा, ये प्री नेटर और पोस्ट नेटर का काफ़ी ज़्यादा लोग जो थे वो पूछ रहे थे, तो सिर्फ इसकी फ़ोटोकॉपी ही लगेगी, और इसमें कोई इतने पूरे डॉक्यूमेंट, कोई फाइल नहीं लगेगी। ठीक है, जो बस जो है इन दोनों कार्ड्स की फ़ोटोकॉपी लगेगी, और इसके साथ साथ डिस्चार्ज कार्ड जो होता है उसकी भी फ़ोटोकॉपी, की इसमें मेडिसिन मेडिसिन वगैरह को प्रिस्क्राइब किया जाता है। फिर नादरा का FRC हमारा बनेगा, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। ठीक है, ये भी बनता है, पेरेंट्स के साथ बच्चे पूरा फैमिली जाती है और वहाँ पिक्चर हो जाती है, और ये भी आराम से बन जाता है। ठीक है, बस वो जो हमारा स्मार्ट कार्ड है उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, तो उसके लिए थोड़ा सा अर्ली करना पड़ेगा आपको। उसकी डिटेल मैंने ग्रुप में डाल दी है। ठीक है, ग्रुप का नंबर ये मेंशन किया हुआ है, जो भी चाहे उसमें ऐड हो सकता है फ्री ऑफ कॉस्ट। फिर CNIC हमारा बहुत बहुत पेरेंट्स का चाहिए, फोटोकॉपी ऑफ लास्ट क्वालिफिकेशन डिग्री, ये पेरेंट्स की सारी डिग्रीज जो हैं वो सारी जाएंगी फोटोकॉपी के साथ। ठीक है, मैरिज सर्टिफिकेट जाएगा, NTN नंबर जाएगा, जो हमारा NTN नंबर होता है, NTN नंबर बहुत सारे लोग पूछ रहे थे, NTN नंबर जो टैक्स का नंबर होता है हमारा, वो अगर नहीं है तो आप बनवा लें। इसमें मैंडेटरी नहीं है कि फादर मदर दोनों का हो, किसी का भी एक का भी हो तो चल जाता है। ठीक है, लेकिन ये ज़रूरी है, डॉक्यूमेंटेशन लाजमी पूरी होनी चाहिए, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन को ये लोग काफ़ी ज़्यादा कंसीडर करते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे पास जो है वो आगे डेथ सर्टिफिकेट ऑफ पेरेंट्स है, कि अगर किसी के पेरेंट्स एक्सपायर हैं या कुछ इस तरीके से है, तो उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, उसके बारे में आगे दो तीन पॉइंट्स जो है वो दिए हुए हैं। ठीक है, टू रिसेंट फोटोकॉपी फ़ोटो देनी, फ़ोटो है, कलर फ़ोटो है, वाइट बैकग्राउंड के साथ, बोथ पेरेंट्स अलॉन्ग विद द अपेयरिंग कैंडिडेट ओनली, यानी कि जो बच्चा है उसके साथ तस्वीर बीच में होती है, पेरेंट्स के साथ वाइट बैकग्राउंड के साथ। ठीक है, वाजे हो। मेरे पास एक वो भी पड़ा हुआ है, जो एडमिट कार्ड मिलता है उसकी भी फोटोकॉपी लगा दूंगा, कि किस तरीके की तस्वीर होनी चाहिए। ठीक है, तस्वीर पिक्चर पेस्ट कर दूंगा कि पता चल जाएगा आपको। ठीक है, उसका साइज़ वगैरह जो भी होगा। ठीक है, अब प्रोसीजर भी उन्होंने लिखा हुआ है, प्रोसीजर वही है कि जो है हमारे पास प्रिंट आउट होना चाहिए। ठीक है, आउटसाइडर के लीगल साइज़ पेपर होना चाहिए, फिर रजिस्ट्रेशन फॉर्म फ्रॉम कैपिटल लेटर, जो अभी रजिस्ट्रेशन फॉर्म इसके नीचे है उसको आपको कैपिटल लेटर में भरना है। ठीक है, और विद ब्लू पेन होना चाहिए, ये चीज़ भी ज़रूरी है। ठीक है, ऑल द डॉक्यूमेंट शुड बी पंच इन अ ट्रांसपेरेंट लीगल साइज फाइल इन द सीक्वेंस मैनर, जो इन्होंने सीक्वेंस दिए ABCD, इसी तरीके से आपको डॉक्यूमेंट्स रखने। ठीक है, और लीगल साइज एनवलप में ट्रांसपेरेंट फोल्डर जो होते हैं उसके साथ जो है सारे डॉक्यूमेंट्स इसी तरीके से पंच होंगे, और वो उसके अंदर एनवलप के अंदर डाल के वहाँ पर ड्रॉप कर देंगे आप जाके 28 और 29 को, आपकी मर्जी है, ये पूरा टाइम दिया हुआ है, किसी दिन भी जाके आप दोनों में से किसी दिन भी ड्रॉप कर सकते हैं। इसके बाद अगर आपने किया तो वो रिजेक्शन हो जाती है। ठीक है, अच्छा, अब इन्होंने यही बताया गया है, उसके बाद ये है कि अगर कोई ट्विंस हैं किसी के, तो उनके लिए भी उन्होंने कंडीशन बताई है। ठीक है, अलग अलग तरीके से दोनों की फाइल बनेगी। ठीक है, ड्रॉप उसी तरीके से होगा। ठीक है, साफ इन्होंने लिख दिया है कि अगर आपकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होगी तो जो है एलिजिबिलिटी जो है वो हो सकता है कि एप्लीकेंट की वो कैंसिल भी हो जाए या नहीं हो एडमिशन टेस्ट वगैरह। ठीक है, अगर कोई किसी का एडमिशन टेस्ट किसी और स्कूल के साथ अगर कोलैप्स हो रहा है या आपका, तो उसमें वो ज़िम्मेदार नहीं होगा, उसका टेस्ट जो है वो री टेस्ट नहीं लिया जाएगा। ठीक है, इसके बाद ये फॉर्म है। ठीक है, ये फॉर्म ग्रेड 1 का है, ग्रेड
जो अभी 6 है उसका अप्लाई अभी वो हुआ नहीं है अपलोड वेबसाइट पे, बट मेरे पास सिबलिंग का फॉर्म है, वो भी सेम इसी तरीके का फॉर्म है, वो शेयर करा दूँगा। तो इसमें आप अपनी तस्वीर के साथ यहाँ पे पिक्चर आप पेस्ट करेंगे और आपका काम यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें काफ़ी डिटेल में मैंने चीज़ें बता दी हैं, काफ़ी पेरेंट्स की जो क्यूरीज थी वो सारी मैंने बता दी हैं। बाकी ये कि मैं वो दो तस्वीर का साइज़ तस्वीर और ये भी मैं लगा दूँगा इसके अंदर, तो आप लोगों को वो भी परेशानी नहीं। ठीक है, वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे शेयर करें, और मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन करें, फ्री है। ठीक है, बाकी अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट ईयर भी अच्छा रिजल्ट रहा है, आगे भी उम्मीद है, मेहनत कर रहे हैं इंशाल्लाह, हमारे बच्चे भी मेहनत कर रहे हैं, तो बस इंशाल्लाह रिज़ल्ट सबका अच्छा आएगा। उम्मीद है कि आपको बातें समझ में आ गई होंगी, और कोई भी क्यूरी हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।